हेलो स्टूडेंट्स आई एम डॉक्टर राहुल कौशिक फ्रॉम रामिस इंस्टीट्यूट ऑफ वोकेशनल एंड टेक्निकल एजुकेशन ग्रेटर नोएडा आज मैं जो टॉपिक आपके सामने लेके आया हूँ वो है आपका जो आपका सिलेबस है हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी सेकंड यूनिट न्यूट्रास्युटिकल का एक टॉपिक है टॉपिक का नाम है हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ न्यूट्रास्यूटिकल्स इन डायबिटीज़ एंड कार्डियोवेस्कुलर डिसीज़ तो हम शुरू करेंगे पहली स्लाइड से इंट्रोडक्शन बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम डायबिटीज और उसमें इस्तेमाल होने वाले न्यूट्रासटिकल्स के बारे में हम पढ़ेंगे तो आपको पहले पता होना चाहिए कि डायबिटीज असलियत में होती क्या है डायबिटीज़ एक ऐसी स्थिति है जहाँ पे इंसान के शरीर के अंदर जो ब्लड ग्लूकोज होता है वो बढ़ जाता है और उस बढ़े हुए ब्लड ग्लूकोज की वजह से उसको बहुत सारी परेशानियां होने लगती हैं जैसे कि उसको अगर कोई चोट लगेगी तो वो जल्दी नहीं भरेगी इसके अलावा और सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं और एसोसिएटेड डिसीज हैं जो उसको होने के चांसेस बढ़ जाते हैं तो डायबिटीज़ अगर हम देखें तो इट इज़ अ मेटाबॉलिक सिंड्रोम मेटाबॉलिक सिंड्रोम का मतलब होता है ये आपके जो जो आपके मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं उससे रिलेटेड है और इट रिजल्ट्स इन हाई ब्लड शुगर लेवल इसके अलावा जो कारण होते हैं इट कैन बी ड्यू टू द लैक ऑफ इंसुलिन या तो आपकी बॉडी में इंसुलिन की प्रोडक्शन कम हो रही हो या फिर ऐसा हो सकता है कि जो प्रोड्यूज इंसुलिन है उसको जो इस्तेमाल करने वाले ऑर्गेंस हैं जो रिसेप्टर्स हैं वो अच्छे से काम नहीं कर रहे हों इसका मतलब कि इंसुलिन की सेंसिटिविटी कम हो गई हो ये दोनों में से कोई भी एक कारण हो सकता है इधर इंसुलिन प्रोडक्शन कम हो लैक ऑफ इंसुलिन प्रोडक्शन या फिर इंसुलिन बॉडी सेल्स आर नॉट रिस्पॉन्डिंग टू द इंसुलिन एकूरेटली तो कारण कुछ भी हो सकता है जो प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड हैं डायबिटीज़ के साथ उसमें आप देख सकते हो वेट गेन आपका वज़न बढ़ सकता है गैस्ट्रो इंटेस्टनल डिस्टर्बेंसेज हो सकते हैं हार्ट फेलियर हो सकता है ये मेजर सेकेंडरी डायबिटीज़ रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस हैं मतलब डायबिटीज अगर किसी को होगी तो उसके साथ साथ ये परेशानियाँ होना भी आ, आ, लाजमी हो है इसके अलावा आप इसको कैसे कंट्रोल करें इन अ नटशेल अगर हम देखें तो प्रॉपर कंट्रोल ऑन योर डाइट Physical exercises and the uses of certain plant derived antibiotic molecules or foods. मतलब आप जो फूड एलिमेंट्स हैं या फिर आप न्यूट्रासटिकल्स आप इस्तेमाल कर सकते हो इसके अलावा आप फिज़िकल एक्सरसाइज़ कर सकते हो आप अपनी डाइट के ऊपर कंट्रोल रख सकते हो इन सब का इस्तेमाल करके आप अपने आप को डायबिटीज से बचा सकते हो और आज हमको पढ़ना है कि ऐसे कौन से न्यूट्रासटिकल्स हैं ऐसे कौन से प्लांट्स ऐसे कौन से खाने की चीज़ें हैं जिनको हम यूज़ करके अपने डायबिटीज़ को कंट्रोल में रख सकते हैं या उसको बिल्कुल ठीक कर सकते हैं न्यूट्रासुटिकल्स एज एंटीडाइबिटिक्स हम देख सकते हैं जैसे आप देखो कि सबसे पहला जो न्यूट्रासुटिकल है वो विटामिन सी है विटामिन सी जैसे हमने देखा इट इज़ एन एक्सेलेंट एंटी ऑक्सीडेंट एंटी ऑक्सीडेंट इट इज़ अ चेन ब्रेकिंग एंटी ऑक्सीडेंट जो कि डायरेक्टली जो आपके रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज होते हैं जो बीमारी कॉज करते हैं उनके ऊपर डायरेक्ट एक्ट करता है इसके अलावा वो जो चेन रिएक्शन होता है रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज का उसको भी ये ब्लॉक करता है इसके अलावा अगर ऐसा नहीं होगा अगर ये आपके जो ऑक्सीडेशन है आपके आ, जो फ्री रेडिकल्स हैं उनको अगर आपने ब्लॉक नहीं किया तो ये प्रोटीन ग्लाइकेशन में रिजल्ट कर सकते हैं और प्रोटीन ग्लाइकेशन का मतलब है आपकी जो बॉडी में शुगर लेवल और ज़्यादा बढ़ जाएगा इन एनिमल्स विटामिन सी रिड्यूसेस द डायबिटीज इंड्यूज सॉर्बिटोल एक्मलेशन एंड लिपिड पर ऑक्सीडेशन इन रेथ्रोसाइड तो ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है कि जिससे आपका विटामिन सी आपका ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है नेक्स्ट है कैल्शियम और विटामिन डी ये दोनों जो है एक्ट करते हैं बाय सप्रेसिंग द सिक्रीशन ऑफ पैराथायरॉयड हार्मोन पी जिसको हम बोल देते हैं गुड कैल्शियम और विटामिन डी स्टेटस मे हेल्प टू प्रिजर्व इंसुलिन सेंसिटिविटी अगर किसी इंसान के अंदर कैल्शियम uh, का लेवल अच्छा है विटामिन डी का लेवल अच्छा है तो हम वहाँ पे ये इंश्योर कर सकते हैं कि उनका जो इंसुलिन की सेंसिटिविटी जो कि एक कारण हो सकता है आपके ब्लड शुगर के बढ़ने का उसमें भी ये काम करता है और इंसुलिन को सेंसिटिव बनाता है इंसुलिन अच्छे से काम कर पाता है अगर आपका कैल्शियम विटामिन डी का लेवल आपकी बॉडी में ठीक है इसके अलावा दूसरा जो आ, दूसरा जो आपका फाइटोकेमिकल है वो है विटामिन ई सॉरी फाइटोकेमिकल भी कह सकते हैं उसको या आप नेचुरल इंग्रेडिएंट आप इसको ज़्यादा अच्छे से कह सकते हैं तो विटामिन ई e, जो कि एक बहुत अच्छा एंटी है इट इज अ एसेंशियल फैट सॉलिबल विटामिन और इसका जो फंक्शन है वो एंटी है इट लो इट लो लेवल ऑफ विटामिन ई अगर आप देखो कि भाई जो पेशेंट्स हैं आपके डायबिटीज़ के उनमें आप बहुत बार देखते हो कि विटामिन ई का लेवल उनमें कम हो जाता है तो अगर आप एक्सटर्नली उसको विटामिन ई e देते हो तो उससे और जो एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स हैं जो कि हमने देखा जैसे हार्ट अटैक या हार्ट फेलियर हो सकता है या फिर वेट गेन हो सकता है उन चीज़ों से आप बच सकते हैं तो विटामिन ई इट हेल्प्स इन इट हेल्प्स इन डायबिटीज़ बाय इंक्रीजिंग द एंटी ऑक्सीडेंट इफेक्ट ऑन द रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज इसके अलावा आप फैट्स देखो मोनो अनसेचुरेटेड फैट्स हैं जैसे कैनोला ऑयल हुआ ऑलिव ऑयल हुआ पीनट ऑयल हुआ इसके अलावा आजकल एक प्रचलन चला है राइस ब्रान ऑयल हुआ दे दे हैव बेनिफिशियल इफेक्ट ऑन द ट्राइग्लिसराइड लेवल्स ऑन और जो ट्राइग्लिसराइड लेवल हैं आपके उनका ग्लाइसिमिक कंट्रोल में डायरेक्ट इफेक्ट देखने को मिलता है बट केयर शुड बी टेकन टू अवॉइड वेट गेन तो क्योंकि ऐसा ना हो कि भाई आपको पता है कि भाई ये मोनो अनसेचुरेटेड फैट्स हैं आपको डायबिटीज में हेल्प करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होगा आप उनको एक्सेस कंजम्पशन करेंगे एक्सेस कंजम्पशन आपको वेट गेन करवा सकता है तो इसको आप अवॉइड करिए नेक्स्ट आपका जो एलिमेंट है वो है क्रोमियम ये एक ट्रेस एलिमेंट है ये भी आपके डायबिटीज में हेल्प कर सकता है और कैसे काम करता है ये आप देख सकते हैं कि इट मे हैव Uh, आप देखो कि जो डायबिटीज़ के लोग होते हैं जिनको डायबिटीज होती है उनमें क्रोमियम की uh, जो मात्रा होती है वो कम होती है और क्रोमियम की मात्रा कम ऑटोमेटिकली हो जाती है कुछ बायोकेमिकल uh, रिएक्शंस की वजह से और ये कहा जाता है कि क्रोमियम का अगर सप्लीमेंटेशन आप करें डायबिटीज़ वाले लोगों को तो उनकी इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ जाती है मतलब आप ये कह सकते हो कि क्रोमियम इंक्रीजेज द इंसुलिन सेंसिटिविटी एंड इम्प्रूव द ग्लूकोज टॉलरेंस इन द पेशेंट विद डायबिटीज़ टाइप टू डायबिटीज़ मेलाइटस इसके अलावा मैग्नीशियम है आपके पास मैग्नीशियम कुछ स्टडीज़ हम की गई हैं जहाँ पे भी ये प्रूव किया गया है कि मैग्नीशियम रिच डाइट अगर आप लेते हो तो डायबिटीज़ के रिस्क आपके कम हो जाते हैं विद एन इन्वर्स कोरिलेशन बिटवीन मैग्नीशियम इंटेक एंड फास्टिंग इंसुलिन लेवल मतलब हाई लेवल अगर मैग्नीशियम का आपकी बॉडी में होगा तो आपका जो इंसुलिन लेवल होगा फास्टिंग इंसुलिन लेवल होगा वो अच्छा खासा होगा सजेस्टिंग एंड सजेस्टिंग एंड इम्प्रूवमेंट इन द इंसुलिन सेंसिटिविटी और आपकी जो इंसुलिन की सेंसिटिविटी है कि कैसे आपके बॉडी सेल्स इंसुलिन को यूज करें वो बढ़ जाती है तो इंसुलिन का अच्छे से आप इस्तेमाल कर सकते हैं फिर अल्फा लाइव लाइपोइ एसिड इट इज़ अ नेचुरली ऑकरिंग एंटी ऑक्सीडेंट विथ पोटेंट एंटी ऑक्सीडेंट एक्टिविटीज इट इंक्रीजेज द इंसुलिन लेवल और इंसुलिन सेंसिटिविटी बाई अप्रोक्सीमेटली एटीन टू ट्वेंटी परसेंट ये गौर करने की चीज़ है कि करीब 18 से 20 परसेंट आपके इंसुलिन की जो सेंसिटिविटी है वो बढ़ जाती है पेशेंट टाइप टू डायबिटीज़ के जो पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर अगर आप अल्फा लाइपोइक एसिड को यूज़ करते हैं इसके अलावा इट आल्सो हैव बेनिफिशियल इफेक्ट ऑन डायबिटीज़ इंड्यूज रेटिनोपैथी एंड न्यूरोपैथी तो ये जो रेटिनोपैथी और न्यूरोपैथी हैं डायबिटीज़ इंड्यूज रेटिनोपैथी एंड न्यूरोपैथी तो ये एसोसिएटेड जो डिसऑर्डर्स हैं वो हैं जिनमें ये आपका जो अल्फा लाइपिक लाइपोइक एसिड है वो अपना रोल प्ले करता है यहाँ आपका रेटिनोपैथी एंड न्यूरोपैथी मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड हम देखें वेनेडियम वेनेडियम इसके ऊपर भी स्टडी की गई है रिसर्च शो करते हैं कि ये जो मिनरल है ये इंसुलिन की तरह काम करता है इट एक्ट सिमिलरली टू द इंसुलिन यहाँ पे देख सकते हो आप इट इंडिकेट दैट दिस मिनरल एक्ट सिमिलरली टू द इंसुलिन इन ट्रांसपोर्टिंग ग्लूकोज इन टू द सेल्स एंड इज़ देयर फॉर वैल्यूएबल फॉर बोथ टाइप ए टाइप वन एंड टाइप टू डायबिटीज़ तो आप देख सकते हो कि वेनेडियम uh, की जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो एकदम इंसुलिन की तरह है इंसुलिन जैसे आपके ग्लूकोज के अपटेक को या uh, ग्लूकोज के ट्रांसपोर्ट को मैनेज करता है वैसे ही वेनेडियम भी वही रोल प्ले करता है इसके अलावा को एनजाइम क्यू टेन है आप देख सकते हैं कि जो uh, डायबिटीज़ के लॉन्ग टर्म पेशेंट्स होते हैं उन uh, पेशेंट्स में जो को एनजाइम क्यू है उसका लेवल गिर जाता है कम हो जाता है और लो लेवल अगर आपका कोएंजाइम क्यू टेन का हो जाए तो इट डिक्रीज द इंसुलिन सेंसिटिविटी अगेन इंसुलिन सेंसिटिविटी के ऊपर बात आती है आपकी बॉडी इंसुलिन को इस्तेमाल नहीं कर पाती बेशक आपकी बॉडी में कितना भी इंसुलिन हो लेकिन आपकी बॉडी इंसुलिन को इस्तेमाल नहीं कर पाएगी अगर आपकी बॉडी में कोएंजाइम क्यू टेन की कमी है लोअर्ड ग्लूकोज एंड फास्टिंग इंसुलिन लेवल सजेस्टेड पॉसिबल इंप्रूव इंसुलिन रेजिस्टेंस अगर आप क्यों कोएंजाइम क्यू टेन का आप सप्लीमेंट करते हैं तो आपकी जो सेंसिटिविटी है वो बढ़ जाएगी और इंसुलिन का रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा फिर एक और केमिकल है एल कार्नेटीन जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा इट प्रमोट्स द इंसुलिन सेंसिटिविटी एंड हैज लिपिड लोअरिंग एक्शन तो अलोंग विद एंटी डायबिटिक इट इज ऑल्सो हैविंग एंटी कोलेस्ट्रोल एक्शन तो कोलेस्ट्रोल भी कम करता है और डायबिटीज को भी या शुगर को भी कम करता है एंड एल कार्नेटीन ऑल्सो हैव इफेक्ट ऑन द ऑक्सीडेटिव मेटाबोलिज्म ऑफ ग्लूकोज एंड टिश्यूज फिर कुछ हर्ब्स की बात आती है क्योंकि हम न्यूट्रास में हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं हमने उसमें न्यूट्रेंट भी पढ़े हैं हमने उसमें हर्ब्स भी पढ़े हैं तो कौन सी ऐसी हर्ब्स है जिनको आप एंटी डायबिटीज या डायबिटीज में इस्तेमाल कर सकते हैं पहली जो हर्ब है आपके पास देख सकते हो ये बबूल है इसका नाम है बॉटनिकल अकेशिया अरेबिका लेमार्क ये फेबिससी फैमिली से बिलोंग करती है और इसका ऑफ एक्शन अगर आप देखो तो इट रिलीज़ इट एक्ट बाय रिलीजिंग इंसुलिन फ्रॉम द पेंक्रियाटिक बीटा सेल्स तो ये इंक्रीज जो इंसुलिन का लेवल है उसको बढ़ा देता है आपका अकेशिया अरेबिका फिर दूसरी जो ड्रग है ये है अगेलिया जिसको हम बेल पत्थर भी कहते हैं तो जो फ्रूट होता है बेल का उसको आप इस्तेमाल कर सकते हो जो कि आपका जो शुगर का यूटिलाइजेशन है पेरीफेरल यूटिलाइजेशन आपकी शुगर का बढ़ा देता है इधर बाय डायरेक्टली स्टमेशन ऑफ ग्लूकोस अपटेक और बाय द मेडिके सॉरी मीडिएशन ऑफ एंडहेंड इंसुलिन सिक्रीशन एंड ऑल्सो डिक्रीज द एलिवेटेड ग्लूकोज एंड गोसाइ गोसाइलेटेड हिमोग्लोबिन लेवल्स तो इसका भी जो आपका बेल पत्थर है उसका भी एक डायरेक्ट यूज़ आप ग्लूकोज में कर सकते हैं फिर आपका एलियम्स सीपा जिसको हम प्याज कहते हैं ऑनियन प्याज को भी आप ग्लूकोज में डायबिटीज़ में इस्तेमाल कर सकते हो इसका जो एक्शन है इट डायरेक्टली एक्ट बाय लोवरिंग द ब्लड ग्लूकोज लेवल एंड हैज़ आ पोटेंशियल एंटी एक्टिविटी तो एंटी डायबिटिक भी है इसकी एक्टिविटी और ए एंटी एक्टिविटी भी इसकी है और उसी की वजह से इसका बहुत अच्छा हाइपोग्लाइसिमिक इफेक्ट आपको देखने मिलता है दूसरी जो ड्रग हैं आप देख सकते हो लहसुन की हम बात करें एलियम सटाइवम लीनियस आपने देखा हो गार्लिक को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है बहुत सारी बीमारियों में इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि उसके अंदर बहुत अच्छी एंटी एक्टिविटी है इसके अलावा रैपिड रिएक्टिविटी विद थायोल कंटेनिंग प्रोटीन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द हाइपोग्लाइसेमिक एक्टिविटी तो जो यहाँ पर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है कि कैसे आप लहसुन को डायबिटीज़ में इस्तेमाल कर सकते हो तो जो वहाँ पर थायोल कंटेनिंग प्रोटीन्स हैं गार्लिक के अंदर वो अपना एक्शन हाइपोग्लाइसेमिक एक्शन शुगर को कम करने वाला या ब्लड शुगर को लो करने वाला एक्शन शो करते हैं नेक्स्ट रह गए हमारी एलोएवेरा एलोएवेरा जो ग्रथ कुमारी होता है हमारा एलोए हम उसका जूस वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं वो कैसे कंट्रोल करता है आप देख सकते हो कि इट मेंटेन्स द ग्लूकोज हीमोस्टेसिस हीमोस्टेसिस मतलब इंटरनल कंट्रोल इट मेंटेन्स द हिमोस्टेटिस ऑफ ग्लूकोज बाय कंट्रोलिंग द कार्बोहाइड्रेट मेटाबोलाइजिंग एंजाइम्स एंड स्टिमुलेटिंग द इंसुलिन रिलीज फ्रॉम द पेंक्रेटिक बीटा सेल्स तो यहाँ पे दो काम कर रहा है पेंक्रेटिक बीटा सेल्स से इंसुलिन की प्रोडक्शन बढ़ा रहा है और साथ के साथ वो एंजाइम्स जो हैं मेटाबोलाइजिंग एंजाइम कार्बोहाइड्रेट को मेटाबोलाइज करने वाले एंजाइम्स उनके ऊपर भी उसका एक्शन हो रहा है फिर एक और एलिमेंट है सॉरी एक और ड्रग है आपकी एनोना स्क्वेमस एनोना स्क्वेमस जिसको हम कस्टर्ड एप्पल भी बोल देते हैं कस्टर्ड एप्पल खाने में आपने देखा ही होगा मीठा लगता है लेकिन उसका भी आपका जो शुगर लेवल के ऊपर बेनिफिशियल इफेक्ट है इट लोवर्स द ब्लड शुगर लेवल तो एनोना एप्पल के बाद हमारी नेक्स्ट ड्रग है अजाडिस्टा इंडिका नीम आपने नाम सुना ही होगा नीम जो कि हम लोग ये सोचते हैं कि कड़वा है इसीलिए इसका एंटी डायबिटिक इफेक्ट होगा या मीठे को कम करने वाला इफेक्ट होगा ऐसा नहीं है इसका जो एक्शन है वो इट इनिबिट्स द एक्शन ऑफ एपिनेफ्रिन ऑन ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म रिजल्टिंग इन इंक्रीज यूटिलाइजेशन ऑफ द पेरिफेरल ग्लूकोज मतलब जो आपकी ब्लड शुगर ब्लड में जो आपके ब्लड में शुगर का लेवल है उसके अपटेक को बढ़ाता है जो पेरीफेरल टिश्यूज़ हैं आपके उनसे इसके साथ साथ जो हाइपोग्लाइसेमिक uh, इफेक्ट है उसका वो भी आपको देखता है बाय डिक्रीज इन द सीरम कोर्टिसोल कॉन्सेंट्रेशन और बाय द सीरम कोर्टिसोल कंसंट्रेशन तो यहां पे आप देख सकते हैं उसके ऑफ एक्शन बाय इंक्रीज यूटिलाइजेशन ऑफ पेरिफेरल ग्लूकोज बाय द बॉडी सेल्स एंड एग्जिबिटिंग द ऑल्ट्रेशन इन सीरम कोर्टिसोल कंसंट्रेशन तो ये साइंटिस्टों के नाम हैं जिन्होंने इनके ऊपर काम किया और जो आपके सामने प्रूफ दिए जा रहे हैं वो सारे वैज्ञानिक तथ्य हैं कोई ऐसे ही आपसे नहीं कह रहा सारी चीजें जो हैं दे आर बेस्ड ऑन द साइंटिफिक फैक्ट्स फिर है कैमेलिया कैमेलिया केमिलियसाइनस जिसको आप चाय भी कहते हैं चाय की पत्तियां आप इस्तेमाल कर सकते ग्रीन टी आजकल एक प्रचलन चला गया है ग्रीन टी यूज करने का तो ग्रीन टी क्योंकि उसके अंदर बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट पोटेंशियल हैं तो मैंने बताया आपको कि एंटीऑक्सीडेंट्स का इस्तेमाल आप किसी भी बीमारी में कर सकते हैं क्योंकि वो आपके फ्री रेडिकल्स को वो आपके रिएक्टिव स्पीसीज को न्यूट्रलाइज करता है तो यहाँ पे आप देख सकते हो उसके अंदर जो केमिकल कॉन्सेंट है एपी गैलोकेटिचियन गैलेट प्रेजेंट इन द टी इट इंक्रीजेज द इंसुलिन एक्टिविटी

तो इन जामुन जो है इसको आपने देखा होगा कि रोज़मर्रा में लोग इस्तेमाल करते हैं शुगर कम करता है कि कैसे कम करता है ये किसी को नहीं पता तो अगर साइंटिफिक प्रूफ देखें इसका तो इट द सीरम इंसुलिन एक्टिविटी जो आपके ब्लड में इंसुलिन है उसकी एक्टिविटी को बढ़ाता है इसके अलावा ऑल्सो एग्जिबिट नॉर्मल ग्लाइसिमिया एंड बेटर ग्लूकोज टॉलरेंस और आपका जो ब्लड ग्लूकोज है उसको भी ये नॉर्मल कर देता है फिर है नेक्स्ट ड्रग आपकी मुराया कोई गिनी एंटीडायबिक्लाइको जेने ग्लाइकोजिनोलाइसिस एंड ग्लूको नियोजेसिस तो ये इसके एक्शन है जिससे आपका कड़ी पत्ता भी आपके डायबिटीज में काम आ सकता है फिर है पुनिका ग्रेनेटम जिसको आप अनार भी कहते हैं अनार आपका इस्तेमाल किया जाता है डायबिटीज में आप अनार को यूज कर सकते हो कैसे काम करता है इट एक्ट्स बाय इनिबिटिंग द अल्फा इंटेस्टनलोसाइडेज एक्टिविटी जो एंजाइम्स हैं इंटेस्टाइन के वहां पे ग्लूकोस के ऊपर एक्टिंग जो एंजाइम्स हैं उनकी एक्टिविटी को यह इनिबिट करता है लीडिंग टू एंटी एंटीहाइपरग्लाइसमिक प्रॉपर्टी ऑफ द पोमिग्रेनेट और अनार तो इस तरीके से आप इन सारी ड्रग्स को इस्तेमाल कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ साइंटिफिक फैक्ट्स नेक्स्ट जो अब हम पढ़ेंगे कि कार्डियो वेस्कुलर डिसीजेज़ क्या होती हैं और उनके ऊपर इस्तेमाल होने वाले न्यूट्रासूटिकल्स कौन से हैं तो आप पहले जानिए कि कार्डियो वेस्कुलर डिसीजेज़ क्या होती है ये दुनिया में प्रोवलेंट बहुत सबसे ज़्यादा प्रोविलेंट जो डिसीज है उन्हीं में से एक है और सी वी डी रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ़ डिसीज ये कोई अकेली बीमारी नहीं है इट इज़ अ ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स इस बीमारी के अंदर जो आपकी बीमारियाँ आती है वो है हार्ट वो जुड़ी हुई हैं आपके हार्ट और वेसल्स जो आपकी रक्त नलियाँ हैं आपकी वैसल्स हैं नसें हैं उनसे जुड़ी हुई हैं और आपके दिल से जुड़ी हुई हैं इट इंक्लूड्स हाइपर टेंशन जिसको हम हाई ब्लड प्रेशर भी कह देते हैं कोरोनरी आर्टरी डिसीज जिसको हम हार्ट अटैक भी कह सकते हैं कार्डियोवैस्कुलर वेस्कुलर डिसीजेज जिनको हम स्ट्रोक कह सकते हैं हार्ट फेलियर पेरिफेरल वेस्कुलर डिसीजेज तो ये सारी ग्रुप ऑफ डिसीजेज जो कार्डियो डिसऑर्डर्स के अंदर डिसीजेज के अंदर आती हैं और इनके पीछे जो कारण है वो कारण आप देख सकते हो डायटरी फैक्टर डायटरी फैक्टर इट दे आर इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर्स फॉर कार्डियोवेस्कुलर डिसीज आप देख सकते हैं, lifestyle change हो लाइफ स्टाइल चेंज हो गया हम पिज्ज़ा बर्गर के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं वो हमारी जो फैट है वो आपके ब्लड वेसल्स में आ रहा है आप एक्सेस में सॉल्ट खा रहे हैं तो ये जो लाइफ स्टाइल चेंजेस हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट डिसीजेज लाइक हाइपर टेंशन डिसलिपीडेमी एंड डायबिटीज मलाइटस तो लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर हम इसको कह सकते हैं कार्डियोवेस्कुलर डिसीजेज को अब हम देखें कोई कौन से आ, ऐसे न्यूट्रास्यूटिकल्स हैं जिनको हम एम्प्लॉय कर, कर सकते हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं कार्डियोवेस्कुलर डिसीज के ट्रीटमेंट में या उनके प्रिवेंशन में तो सबसे पहले आप देख सकते हैं फंक्शनल फूड एक तरफ मैंने लिखा हुआ है कौन सा फूड है और उसके अंदर कौन सा बायोएक्टिव केमिकल है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं और यहाँ आप देख सकते हो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है मकैनिज्म ऑफ एक्शन के क्या मकैनिज्म है जिससे ये जो केमिकल्स हैं ये काम करते हैं अब यहाँ पे देख सकते हो पहला मकैनिज्म आपने देखा है ब्लड कोलेस्ट्रोल लोवरिंग इफेक्ट ऐसी ड्रग्स ऐसे न्यूट्रासूटिकल जिन जो कि आपके कोलेस्ट्रोल के लेवल को कम करते हैं और इन ड्रग्स में क्या क्या इंक्लूड है पहला आपका नट्स नट्स आपने देखा होगा मूंगफली हुआ है आपका आलमंड्स हुआ उनके अंदर बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जैसे टोकोफिरल्स हो गए ओमेगा थ्री फैटी एसिड्स हो गए तो ये कंट्रोल करते हैं आपके एक्सेस ऑफ आपके कोलेस्ट्रोल को फिर आपका लेग्यूम क्रॉप्स लेग्यूम्स दाले वगैरह जो हैं आपके ये क्या है इनके अंदर फाइबर्स है पॉलीफिनिक कंपाउंड्स हैं जो कि आपके कार्डोवेस्कुलर डिसीज़ को प्रिवेंट करते हैं तीसरा जो है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं बहुत सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ऐसे होते हैं जिनमें दे आर रिसोर्स ऑफ फ़ाइबर्स लाइक पैक्टिन फिश ऑयल है आपका फ़िश ऑयल आप यूज़ कर सकते हो आप होल ग्रेन्स यूज़ कर सकते हो और आप सोया प्रोटीन यूज कर सकते हो तो ये सारे ऐसे ड्रग्स हैं जिनके मकैनिज्म ऑफ एक्शन या जिनके जो, जो एग्जांपल्स हैं आप देख सकते हो डायटज़ीन और जेनिस्टीन आप यहाँ पे देख सकते हो या सोया प्रोटीन्स होल ग्रेन से आपको फाइबर और फाइटोकेमिकल्स मिलते हैं ओमेगा थ्री फैटी एसिड आपको फिश ऑयल से मिलता है तो इन सब का मकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है दे लोवर्स द ब्लड कोलेस्ट्रोल लेवल और ब्लड ब्लड कोलेस्ट्रोल लेवल कम होगा आपका तो आपका जो हार्ट है वो अच्छा रहेगा आपके ब्लड वेसल्स अच्छी रहेंगी देन अगेन दूसरा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है ऐसी ड्रग जिनके मैकेनिज्म है इनिबिशन ऑफ एलडीएलसी ऑक्सीडेशन मतलब जो आपका लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन है उसके ऑक्सीडेशन को ये इनहिबिट करते हैं इसमें कौन कौन सी ड्रग आती हैं आपकी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आती हैं फ्रूट्स आते हैं जैसे कैरेटोनॉड्स उनके अंदर केमिकल होता है सिट्रस फ्रूट्स हैं आपके वेजिटेबल्स हैं जिनके अंदर विटामिन सी होता है जैसे हमने पढ़ा कि बहुत अच्छा एंटी ऑक्सीडेंट हर बीमारी में काम आ सकता है फिर आप देख सकते हो टमाटो आप लोग यूज़ कर सकते हैं जिसके अंदर लाइकोपिन होता है आप एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल यूज़ कर सकते हो जिसके अंदर पोलीफिनोलिक एंड ओलिक एसड्स होते होते हैं अगेन दे आर स्ट्रॉग एंटी ऑक्सीडेंट्स डार्क चॉकलेट आप यूज़ कर सकते हो जिसके अंदर फ्लेवेनॉइड्स मौजूद रहते हैं आप ओमीग्रेनेट अनार यूज कर सकते हो जिसके अंदर पोलिफिनोलिक कंपाउंड्स होते हैं एलिजिक एसिड टैनिक एसिड्स वगैरह तो फिश आप इस्तेमाल कर सकते हो जिस विच इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ ओमेगा थ्री फैटी एसिड्स एंड इट आल्सो लोअर्स द ट्राइग्लिसराइड लेवल तो ये सारे आ, ऐसे कंपाउंड्स हैं या ऐसी ड्रग्स हैं जिनको आप यूज कर सकते हो जो कि डायरेक्टली आपके कार्डोवेस्कुलर डिसीज को प्रिवेंट करती हैं बाय इनहिबिटिंग द एल ऑक्सीडेशन ठीक है नेक्स्ट जो आपका ड्रग्स हैं ये ऐसी ड्रग्स हैं जो आपके ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करती हैं अगर आपको हार्ट प्रॉब्लम है हाई ब्लड प्रेशर है तो आपके ब्लड प्रेशर को नेचुरली डिक्रीज़ करने के लिए नेचुरली आपके ब्लड प्रेशर को डिक्रीज़ करने के लिए ये सारी ड्रग्स हैं जैसे कि फ़िश है जिसके अंदर ओमेगा थ्री फैटी एसिड्स होता है वो आप यूज़ कर सकते हो लेग्यूम्स आप यूज़ कर सकते हो फाइबर्स इसके अंदर होते हैं वो आप यूज़ कर सकते हो होल ग्रेन्स हैं जिसके अंदर फाइबर्स और फाइटोकेमिकल्स दोनों होते हैं वो आप यूज़ कर सकते हो जिससे कि आपका ब्लड प्रेशर कम हो सिट्रस फ्रूट्स आप यूज कर सकते हो जिसके अंदर एसिड या विटामिन सी होता है उसको आप यूज कर सकते हो जिनसेंग हम लोग यूज करते हैं जिसके अंदर केमिकल कॉन्सटेंट होता है जिनसेनोसाइड ये जिनसेनोसाइड्स जो हैं ये आपके ग्लाइकोसाइड्स हैं ये बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं आपका ब्लड प्रेशर कम करने के लिए ऑनियन है गार्लिक है जिसके अंदर फ्लेवेनोइ क्वेरसेटिन मौजूद होता है ये आप इस्तेमाल कर सकते हो आ, ये आपका ब्लड प्रेशर कम कर सकता है इसके अलावा ग्रीन और ब्लैक टी है जिसके अंदर पोलिफिन्स होते हैं ग्रेप्स या रेड वाइन्स आप यूज कर सकते हो जिसके अंदर पोलिफिनिक कंपाउंड्स होते हैं तो इन सब का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है द डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर तो इस तरीके से आप ब्लड प्रेशर को कम कर सकते हो और अपनी कार्डोवेस्कुलर डिसीज जो है उनको आप प्रिवेंट कर सकते हो और उनको कंट्रोल कर सकते हो नेक्स्ट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है हमारा लोवरिंग द ब्लड हीमोसिस्टीन लोअरिंग द ब्लड हीमोसिस्टीन इसका भी एक डायरेक्ट इफेक्ट है आपका जो आपका ब्लड होमोसिस्टीन है इसका एक डायरेक्ट इफेक्ट है आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ाने का तो यहाँ पे भी आप जो है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स यूज़ कर सकते हो जिसके अंदर बहुत सारा फोलेट है फाइटोकेमिकल्स हैं होल ग्रेन आप यूज़ कर सकते हो जिसके अंदर आपका फाइबर्स हैं फाइटोकेमिकल्स हैं सिटरस फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आप यूज़ कर सकते हो जैसे मैंने बताया इसके अंदर विटामिन सी होता है विटामिन सी बहुत अच्छा एंटी ऑक्सीडेंट है इसको आप यूज कर सकते हो नट्स हैं सीड्स हैं एंड ऑयल्स हैं जो कि बहुत अच्छे एंटी ऑक्सीडेंट्स हैं उनको आप यूज़ कर सकते हो तो ये है ऑफ एक्शन इन सब का ऑफ एक्शन है दे लोअर्स द ब्लड सिस, होमोसिस्टिन लेवल होमोसिस्टिन लेवल जो ब्लड में होता है उसको कम करते हैं जिससे कि डायरेक्टली आपकी बॉडी में जो हार्ट रिलेटेड डिसऑर्डर्स होने वाले होंगे वो भी प्रिवेंट किए जा सकते हैं इसके अलावा प्लेटलेट एग्रीगेशन आपके अगर वेसल्स में होता है तो उसको प्रिवेंट करने के लिए बहुत सारी ड्रग्स होती हैं तो यहां देख सकते हो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है प्रिवेंट्स प्लेटलेट एग्रीगेशन यहां पे हम कौन कौन सी ड्रग इस्तेमाल कर सकते हैं आप देख सकते हो ग्रेप्स एंड रेड वाइन्स ग्रेप्स और रेडवाइंस के अंदर एंथोसाइनस होते हैं कैटेचिस होते हैं सैनिडिस् होते हैं फ्लेवेनॉइड्स होते हैं मायरेसिटिन और क्वेरसेटिन तो ये जो फाइटोकेमिकल्स हैं ये बहुत अच्छा आपका जो प्लेटलेट एग्रीगेशन होता है आपकी नसों में जो फैट जमा हो जाता है फैट डिपॉजिट हो जाता है उसको क्लियर करने का काम ये सारी चीज़ें करते हैं तो ये बहुत सारे तरीके हैं जिससे कि आप जो आपके ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं आपकी कार्डियो हार्ट के रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स हैं आपके ब्लड वेसल्स से रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स हैं उनमें आप काम ला सकते हो इसके अलावा एंटी इन्फ्लामेट्री एक्शन जो ड्रग शो करती हैं उनको आप यूज़ कर सकते हो जैसे कि नट्स हुए सीड्स हुए ऑयल्स हुए जिनके अंदर विटामिन ई e आता है जैसे एग्जाम्पल इसका फ़िश हुई जिसके अंदर ओमेगा थ्री फैटी एसिड्स है लेग्यूम्स हुई जिसके अंदर पॉलीफिनिक कंपाउंड्स हैं ग्रेप्स और रेड रेडवाइंस हुई जिसके अंदर इनसाइनइस वगैरह मौजूद हैं सैनिडिस् मौजूद हैं तो ये इनका जो मकैनिज़म ऑफ एक्शन है दे ऑल एक्ट बाय एंटी इंफ्लामेटरी एक्टिविटी आपने देखा होगा बहुत सारी ड्रग ऐसी हैं जो एक से ज्यादा मकैनिज्म ऑफ एक्शन शो कर रही हैं तो यहां पे मेंशन करना जरूरी है कि बहुत सारी ड्रग ऐसी होती है जिनके मल्टीपल मकैनिज्म ऑफ एक्शन होते हैं और हम उसे अपने हेल्थ बेनिफिट्स के लिए आप यूज कर सकते हैं इसके बाद जो हमारी ड्रग्स uh, हैं ये जो आपके कार्डियोवेस्कुलर ड्रग्स हैं इनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट तरीक़ों से आप इनके न्यूट्रासुटिकल प्रोडक्ट बना सकते हैं आप इनके जूसेज इस्तेमाल कर सकते हैं आप इनके कॉम्बिनेशन थेरेपी uh, इनकी इस्तेमाल कर सकते हैं और जो मेन टारगेट हमारा है वो है कि कैसे हम अपने फूड को मेडिसिन की तरह इस्तेमाल करें ठीक है द मेन टारगेट इज़ हाउ वी कैन यूज़ आवर फूड एज अ मेडिसिन तो ये है आपका ऐसी ड्रग्स जिनकी बार जिनको हम कार्डियोवेस्कुलर डिसऑर्डर्स और हमारे डायबिटीज़ में यूज़ कर सकते हैं तो आज के लिए थैंक यू सो मच नेक्स्ट क्लास जो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे ऐसे न्यूट्रास्यूटिकल जिनको हम लोग कैंसर के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ न्यूट्रास्यूटिकल्स इन कैंसर थैंक यू सो मच